तो देखिए यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके के हट लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी भैया की प्री वेडिंग का शूटिंग चल रहा है। आपको दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ मैं, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे शूट चल रहा है। और वहाँ पे देखिए भैया और भाभी लोग हैं, और इधर सब कैमरामैन लोग लगे हुए हैं। तो क्या था कि यहाँ पे एक दिन का शूट था, लेकिन एक दिन पहले आ गए थे, तो यहाँ पे नाइट का जो भी शूट था उस चीज़ को निपटा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जो छोटे छोटे हट मिल जाते हैं बहुत ही, मतलब जैसे कि ये वाला हट है 2500 रुपये के आसपास का था। तो कुछ सीन ऐसा शूट हो रहा है, आप सब देख सकते हैं, और कुछ किसिंग वाला सीन है, वो बहुत रिटेक किया जा रहा है बार बार। और हमारी परू यहाँ पे खेल रही है, परू डंडा मत मारना इस पे। हाय कर दो परू, हाय कर दो। वन टू थ्री स्टार्ट करिए भैया, फोल्ड नहीं करना है, हैंड लिया, किसके नॉर्मल सूट हो रहा है। हाँ, आप पहले लगा एक्ट कर रहे हो, एक्ट नहीं करना जो सूट हो रहा है उसका हम आपको फाइनल टच भी दिखाएंगे। आपको थोड़ा क्लोज में ले चल के दिखाते हैं फिर से। तो प्री वेडिंग का शूट कंप्लीट होने वाला है, मतलब आज का तो कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे बॉन फायर की तैयारी चल रही है, जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा भैया, ये बॉन फायर के लिए इकट्ठे कर रहे हैं लकड़ी वकड़ी। और कुछ सीन बॉन फायर का भी होगा जो हम आपको दिखाएंगे वीडियो के अंदर। यहाँ पे फ़ोटो शूट के लिए कुछ पोज बना रहे हैं भैया हमारे फोटोग्राफर जी, और इसका आउटपुट क्या निकल जाएगा मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो देखिए बॉन फायर के लिए तैयार कर रहे हैं भैया, अरे वो ज़बरदस्त भैया ने चला दिया, थोड़ा जल्दा भी देखेगा कितना फूल चार्ज बना देंगे। और वहाँ पे कुछ फोटो सेशन का चल रहा है मामला, और वो भी हटा दे, क्या नाम है ये वाइट वाला। देखिए बॉन फायर जल गया, और यहाँ का कुछ सीन है जो अभी शूट होने वाला है। तो शूट कुछ इस तरीके का हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और वहाँ पे बॉन फायर जल रहा है, और वहाँ पे वीडियो शूटिंग चल रहा है, और मैं यहाँ पे गाना चला रहा हूँ। भैया मैम को देखिए स्माइल, मैम भैया को देखिए बस कार्ड परफेक्ट है। सामने देखना भाभी को, सामने देख भैया भाभी को, पोज चेंज करते रहो। आईज क्लोज कर लीजिएगा ना आप, मामा आईज क्लोज कर लीजिएगा। स्माइल, हाथ नीचे, बस तो दोस्तों फाइनली हम उठ गए मॉर्निंग में, और कल जितना भी शूट था नाइट का शूट हमने कर लिया था, और अब हम फिर से उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। कुछ दिन का शूट रह गया है, वो सब शूट करना है प्री वेडिंग का। तो हमने बैग पैक कर लिया है, बहुत सारे सामान हमने निकाल दिया था फिर से, तो हमने बैग को पैक कर लिया है। अब पावर बैंक भी रख लेते हैं, पावर बैंक रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट का बड़ा समस्या है, तो लाइट वाइट तो मिल नहीं रहा। और वहाँ पे 50 रुपये ले रहे हैं मोबाइल चार्ज करने का, तो उससे पहले हम सारे के सारे चीज़ें रख लेते हैं। और मैं पावर बैंक ले आया था,
हमारा बैग पैक हो गया ये ठीक दोस्तों। ओफो पानी की बोतल हो गया, एक बार चेकआउट कर लो कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो फाइनली हम लोगों ने चेकआउट, तो फाइनली हमने देख लिया है हमारा रूम में कुछ छूटा नहीं है। अब नीचे चल के हम चेकआउट करते हैं और बाहर का सीन कुछ ऐसा है, बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। तो चलिए यही चलते हैं और आप सभी लोग ब्लॉग के अंदर बने रहिएगा, तभी जा करके आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से प्री वेडिंग सूट ऋषिकेश में होता है। ऋषिकेश से और भी आगे है, शिवपुरी कहा जाता है उसे, तो वहाँ पे चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी रिसेप्शन पे आ गए हैं और चेकआउट करने वाले हो गए भैया, सिग्नेचर सारा कुछ, तो हमने यहाँ से चेकआउट कर लिया। और गाड़ी हमारी ये रही, तो चलते हैं। कहाँ गए भैया? देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप के होटल्स बने हुए हैं पहाड़ पे, और वो रोड रहा और हमें अभी उस साइड में जाना है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज भी प्री वेडिंग के सूट में, क्योंकि पूरा दिन आज हम यहीं पे बिताने वाले हैं। और किस तरीके से सूट होगा, किस तरीके से, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीन है और ड्रोन के भी सीन है, तो मैं सारे के सारे चीज़ों को कवर करूँगा, एक एक चीज़ को। आप सभी लोग ब्लॉग के अंदर बने रहिएगा, है ना। तो आज फिर हम उसी लोकेशन पे जा रहे हैं जिस लोकेशन पे कल गए हुए थे, और कल हम नीचे इसलिए आ गए थे क्योंकि वहाँ पे होटल्स अवेलेबल नहीं थे और वहाँ पे डिनर का व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम नीचे आ गए थे। तो आज हम फिर उसी लोकेशन पे जा रहे हैं, तो आपको दिन में देखने को मिलेगा क्या सीन था, क्या नज़ारा था फिर से एक बार। और आप सीन तो देख ही पा रहे होंगे, कितने पूरे पहाड़ी पहाड़ है वहाँ पे, देखिए कितना खतरनाक सीन है, और रोड भी कितना खतरनाक है बिल्कुल। इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, और अभी हम दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ लैंडस्लाइड होता है। कुछ इस टाइप के पहाड़ हैं यहाँ पे, और अभी हम जिस लोकेशन पे जा रहे हैं वो वहीं जहाँ पे हम कल गए थे। हम आपको बता दें आपको बता दें ऋषिकेश से 25 किलोमीटर आगे पड़ता है शिवपुरी, उसी वाले लोकेशन पर प्री वेडिंग शूट चल रहा है हमारा। तो आप लोग कभी भी आएँ तो शिवपुरी जरूर घूमने के लिए आएँ। मैं आपको चीज़ दिखा दूँगा यहाँ पर घूमने वाले क्या क्या चीज़ हैं, यहाँ पर सारा कुछ हम आपको दिखाएँगे कि शिवपुरी क्या क्या लोकेशन है शूट करने के लिए। आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं या कोई गाना शूट कर रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे। और ये देखिए लैंडस्लाइड कितना खतरनाक तरीके से हो रखा है, ये इस तरीके का लैंडस्लाइड होता है यहाँ पे, और रास्ता तो आप देख ही रहे होंगे। ये देखिए कितना खतरनाक सीन है, इतने बड़े बड़े पत्थर देखने को मिल जाएंगे। और जब बरसात आता है तब तो पेड़ साहब से रास्ते को बंद कर दिया जाता होगा। तो फिर फाइनली हम अपने लोकेशन पे आ गए हैं, जिस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, है ना। तो चलिए बाहर निकलते हैं, बैग साइड में रखते हैं अपना। तो बैग हमने अपना यहीं पे रख दिया है, इसमें कैमरे रखे हुए हैं, इसको ले जाने का मतलब नहीं अभी नीचे, है ना। और हम बाहर आ गए हैं और भैया लोग अपना कपड़े वपड़े निकाल रहे हैं जिसका वहाँ पे ज़रूरत है, और सीन कुछ ऐसा है यहाँ पे। और कपड़े सारे के सारे निकाल लिए गए हैं जिसमें जिसमें सूट करना है भैया को, मतलब जो प्री वेडिंग का शूटिंग करना है
और उसमें जितने भी कपड़ों का यूज होना है वो सारे के सारे कपड़े निकाल लिए। और ये देखिए सीन आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए बिल्कुल यहाँ से नीचे खाई है, अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत खतरनाक सीन। चलिए आगे चलते हैं भैया, गाड़ी एक बार देख लीजिएगा, पूरा बंद कर दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, एक चीज मैं उठा लेता हूँ। अरे इसको ऐसे नहीं पूरा के पूरा उठाना यार, मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना। अरे यार तो रहने दे, बाद में फिर लेना। तो आकाश उठा नहीं पा रहा, इतना सामान है ना। तो आकाश एक तरफ भैया पकड़ लिए, एक तरफ आकाश पकड़ लेगा तो हो जाएगा पूरा के पूरा। और यहाँ पे घोड़े तो है ना, खच्चड़ है। तो इनको घोड़े नहीं कहा जाता है, इनको खच्चड़ कहा जाता है। इनके ऊपर बहुत सामान वामान लाद करके इधर से उधर पहाड़ पे यही सब चलते हैं, जो पहाड़ एरिया रहता है पहाड़ एरिया पे इन्हीं लोग का काम होता है सबसे ज़्यादा। देखिए इस पर बालू ही भरा हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या सीन देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल आप नीचे देखिए कितना खतरनाक सीन है। और अभी हमें वो उस पॉइंट पे जाना है, तो रोड भी दिखाएंगे आपको, रोड कितना डेंजरस रोड है यहाँ पे। और प्री वेडिंग जो भैया शूट करने वाले हैं उनको भी फ़ोन लगा लेता हूँ मैं कि कहाँ पे हैं वो अभी। आप पानी देखिए कितना अच्छा। हेलो कहाँ पे हैं भैया? हाँ आ गए हम तो, चलिए चलिए आ गए, हमें वहीं पे आ गए नीचे यहाँ पे। ओके ओके, तो भैया से बात हो गई, वो कह रहे हैं उधर ही ब्रिज पे कहीं खड़े हैं उस साइड में, तो वहीं पे चल रहे हैं हम भी। और पानी देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ का पूरा पहाड़ी पहाड़ सीन है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या सीन है यहाँ पे लेने वाले, अगर आपको कोई वीडियो शूट करना है उसके लिए, क्योंकि लोकेशन तो काफ़ी अच्छा है। अगर किसी को यहाँ पे आना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को चेकआउट करके आ सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे पैर फिसला डायरेक्ट नीचे नीचे ही जाएंगे नीचे। देखो राम झूला लक्ष्मण झूला के जैसे ही बनाया गया इसको भी, शिवपुरी कहा जाता है इस एरिया को। और यहाँ पे अभी क्या है कि ठंड भी है थोड़ी थोड़ी, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। अभी 7 बजने वाला है मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग में भी थोड़ा थोड़ा ठंड यहाँ पड़ रहा है, मतलब है ना। और ब्यूटी पार्लर का एडवर्टीजमेंट हो रखा है, मतलब किसी को चाहिए ब्राइडल मेकअप के लिए, जो वीडियो शूट करते हैं तो फिर उसके लिए किसी को ज़रूरत होता है तो लोग कॉन्टेक्ट करते हैं। और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ भैया लोग का शूट होगा, उतने देर में अगर हम देखेंगे कुछ एडवेंचरस चीज़ें करने को मिल जाएगा तो हम उस चीज़ को करेंगे और ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करेंगे उस चीज़ को, अगर टाइम मिलता है तो। अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर हम उस चीज़ को एडवेंचरस चीज़ें करेंगे, क्योंकि उन सब चीज़ों को करने पे ब्लॉग बहुत अच्छा सूट हो जाता है, तो कोशिश करते हैं। और ये है कुछ ब्रिज, हम आपको ले चल के दिखाते हैं। यहीं पर रुक जा, भी वो लोग आएंगे यहीं पे, मैं तो लेके जा रहा हूँ ब्लॉग दिखाने के लिए अपने व्यूवर्स को। तो ये सीन है, आप देखिए। इसी सीन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं कि ये सीन, और मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा सूट हो जाता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे पहुँचने का लोग कोशिश करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रोन से सूट होता है, ड्रोन का सीन होता है, बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारा ड्रोन का सीन भी कुछ होगा, मैं आपको दिखाऊँगा ड्रोन का सीन कि ड्रोन का वीडियो कैप्चर करने के बाद और उसका आउटपुट क्या निकल के आता है, उस सब चीज़ों को भी दिखाऊँगा मैं। और आप पानी तो देख ही सकते हैं कितना अच्छा है, मतलब
जैसे कि आपने और कहीं का भी पानी देखा होगा इतना ब्लू नहीं रहता है जितना पानी यहाँ का ब्लू है। तो चलिए भैया आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम कैमरे वमरे निकालेंगे, साथ ही साथ में उसका सिनेमेटिक सीन ले लेंगे कैमरे का और आपको दिखाएंगे, तो बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं, बस फोटोग्राफर का हम लोग वेट कर रहे हैं और फोटोग्राफर जैसे ही आएंगे हम लोग अपने प्री वेडिंग का शूट स्टार्ट कर लेंगे। तो आप सभी लोग बने रहिएगा ब्लॉग के अंदर, तभी जा करके आपको मज़ा आएगा। जैसा कि कुछ सीन है ड्रोन का, तो ड्रोन का सीन कैप्चर करते हुए हमारे भैया, और ड्रोन कुछ वो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा इसका आउटपुट क्या निकल के आता है, है ना। ठीक है स्टार्ट। दोस्तों ऑन गोइंग, आप लोग बने रहिएगा, वेट एंड वॉच एंड। तो फिर यहाँ पे ड्रोन का शूट हो गया है फिनिश, और अब हमें करना है जो कैमरे से शूट होना है वो सब सीन बाकी हैं। तो इधर से फिर हमें उस साइड में ही जाना है, तो लेट्स गो चलते हैं। हाँ चलो उधर ही चलो, लेट्स गो। तो ड्रोन का शूट ख़त्म हो चुका है और अब बचा हुआ है जो कैमरे के शॉट्स निकालने हैं वो सब निकलेंगे, और धीरे धीरे धूप भी निकलना चालू हो गया है यहाँ पे, है ना। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा है, और अभी मैं आपको नीचे भी लेकर के चलूँगा क्योंकि नीचे भी जाना होगा हम लोगों को, तो नीचे भी चलेंगे और ब्लॉग को कंटिन्यू करके रखते हैं और देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। यहाँ पे भैया कैमरा रखे हैं, कुछ शूट करना होगा इनको। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लोकेशन का एड्रेस दे दूंगा, आप यहाँ पे आके प्री वेडिंग शूट कर सकते हैं इजीली। कोई चार्जेस नहीं लगता है यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा लगता है यहाँ पे, अच्छा अच्छा। तो भैया बता रहे हैं कि चार्जेस लगते हैं यहाँ पे, सॉरी मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपको, मेरे को नहीं पता था, लेकिन भैया बता रहे हैं 1000 रुपये लगता है जो यहाँ के लोकल का कोई एक बंदा लेता है। तो 1000 रुपीज़ कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, उस अमाउंट में यहाँ पर आपको काफ़ी लोकेशन मिल जाएगा शूट करने के लिए। तो अगर आप कभी भी यहाँ पर आते हैं, कभी भी विजिट करते हैं, तो आराम से यहाँ पे आकर के प्री वेडिंग शूट कर सकते हैं। प्री वेडिंग के आपको अगर कोई सॉन्ग, कोई सा भी एक्स वाई जेड जिसमें पहाड़ का सीन चाहिए हो, तो उन सब चीज़ों को शूट करने के लिए आराम से यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, है ना। तो चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सीन है यहाँ पे। ओह काफ़ी थक भी गए हैं, भूख भी लगा हुआ है बहुत तेज़, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बस होटल से उठे हैं और तुरंत चेकआउट करके यहाँ पर निकल के आ गए हैं। मैंने मुँह धुला, ब्रश तो लाया नहीं था, ब्रश कर नहीं पाया, अभी देखते हैं क्या पता कहीं नीम वो मिल जाएगा तो उससे दत्वन कर लेंगे, और फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे तो खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है, मैगी वैगी मिल जाएगा अभी, मैगी खाएंगे तो मैगी खा लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ और तो आइटम मिल नहीं रहा खाने के लिए। तो फिर चलते हैं और दिखाते हैं क्या सीन चल रहा है इधर। तो देखिए भैया लोग वहाँ पे हैं, जो अभी वो वहाँ से शूट कर रहे थे ना हम लोग, तो यहीं पे शूट हो रहा था। तो भैया बिल्कुल कोट पैंट टाई लगा के बिल्कुल रेडी हैं शूट करवाने के लिए, काफ़ी एक्साइटेड हैं, और भाभी जी भी उस साइड में हैं, और चल ही रहा है सारा कुछ। देखिए ये है सीन। तो अब देखते हैं भैया कौन सा सीन निकालने जा रहे हैं, क्या सीन निकालते हैं, क्या सीन कैप्चर करते हैं। कुछ रनिंग का बता रहे हैं भैया कि रनिंग करते हुए कुछ सीन चाहिए होगा। देखिए मैं जो भी आपको दिखा रहा हूँ इसका मैं फ़ाइनल टच, जो फाइनल वीडियो एडिट होके आएगा उसको भी मैं आपको साथ ही साथ दिखा दूँगा। तो उस साइड में चलते हैं,
पीछे जाएगी। देखते हैं थोड़ा और पीछे। देखिए जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पे काम करने के लिए जो आप पीछे आ रहे हैं खच्चड़ गधा बोलते हैं मेरे हिसाब से, तो उन लोगों का यूज किया जाता है। मैं आपको जैसे दिखाऊंगा अभी, तो इस तरीके के कुछ खच्चड़ होते हैं जो बहुत ही वर्क हार्ड करते हैं। इसमें मेरे हिसाब से बालू रख के एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। तो इन लोगों से क्या किया जाता है कि बालू उठवा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। भाई साहब पुल बिल्कुल हिल रहा है, ब्रिज है पूरा ऐसे 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 हिल रहा है, पर बहुत मजबूती से बनाया गया तो कोई डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे। देखिए कुछ रनिंग का सीन है भैया का, रनिंग करते हुए आएंगे उसका कुछ सीन निकाल रहे हैं भैया। मैं बोलूंगा तब आएंगे भैया, ठीक है? हाँ रनिंग करते हुए सामने देखते हुए। मोटे भैया हैं, देखते कैसे रनिंग करते हैं। या सलमान खान काफी बेट चली शॉट वाला आपने साइड में देखा। इधर का तो हो गया भैया का, इधर का जो दौड़ते हुए सीन चाहिए था हाफ वाला, ये आपने ना साइड में देख लिया है तो कुछ सभी बचा हुआ उसको कर लेते हैं वेट एंड पर। तो गाइस भैया का सीन तो हो गया है, अब बचा है भाभी का सीन, तो दिखाते हैं भाभी का कौन सा सीन बचा हुआ था। भैया का हो गया रनिंग वाला, भाभी का भी सीन हो ही जाएगा, देखते हैं। फोटोग्राफर जी समझा रहे हैं किस तरीके से करना है। तो भाभी जी का सीन क्रिएट हो रहा है दौड़ते हुए आ रही है। हमारा तो हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो मतलब नए होते हैं तो उसमें काफ़ी रीटेक सीन लेने पड़ते हैं। अब जैसे जो प्रो लेवल के होते हैं वो तो एक बार में शूट कर लेते हैं, लेकिन जो बिगनर होते हैं उन लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है, एक बार दो बार तीन बार, जब तक अच्छा सीन ना आ जाए तब तक तो लेना ही पड़ता है। तो वही सीन भाभी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि सूट होता नहीं है लोगों का, मतलब कभी इन सब चीज़ों में सूट वूट किया नहीं है, तो फिर फर्स्ट टाइम है तो फिर थोड़ा अंदर से हेजिटेशन भी होता है ना, पूरा पुल हिल रहा। तो एक बार दो बार तीन बार में सूट हो ही जाएगा। मिले थे ना आपको, बस वहीं से बाहर को बांधना है, यहाँ से आके यहाँ पे, यहाँ पे रहिए, आपको जाके बस हक करना है और हक करके होल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों हक वाला सीन आ चुका है, जो हम लोग सीन वहाँ पे पीछे क्रिएट कर रहे थे वही वाला सीन अब यहाँ पे हक जो क्लोज से शूट करना है, ड्रोन से ऊपर से शूट किया गया, अब जो पास का सीन है वो कैमरे से शूट हो जाएगा, तो हम उसका भी दिखाएंगे आउटपुट क्या निकल के आया था। तो देखिए कुछ ये बिहाइंड द सीन आप समझ लीजिए, पूरा बिहाइंड द सीन बना रहे हैं किस किस तरीके से प्री वेडिंग का शूट होता है। तो सीन काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है, भैया को उठाना है भाभी जी को। और देखते हैं उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं। एक या दो बार राउंड सर स्लोली करिएगा, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा डिसबैलेंस होता है तो स्लोली करिए, ठीक है? डिसबैलेंस हो गया नीचे मत चले, डिसबैलेंस होकर नीचे ना गिरिए, वो थोड़ा स्टंट होते हैं। तो चलो देखते हैं भैया उठा पाते हैं कि नहीं। और पीछे हो गया
वन टू थ्री स्टार्ट। उठाई भैया उठाई, राउंड उठाई, करते रही एक राउंड कर ली, कट तो सीन कुछ अच्छा सूट नहीं हो पाया, उठा करके नीचे फेंक दिया तो नहीं धीरे से तो रखे थे हमने। चलो एक बार और आराम से रखिए एक बार फिर से रीशूट कर लेते हैं। तो थोड़ा भारी है ना भाभी, इसलिए उठाने में दिक्कत हो रहा होगा। और एक बार फेस का एक्सप्रेशन देखिएगा भैया का, उठाने ना ऐसा भारी भारी सा लग रहा है। रीटेक कर जा रहा है तो भैया ने उठा लिया, राउंड कराते थे क्या, अब के पास आराम से रहना। चलिए ये भी सीन मेरे हिसाब से क्रिएट हो गया होगा, इसका आउटपुट भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके का सीन शूट हुआ है इसका, है ना। तो चलिए इधर शूट हो रहा है, हम थोड़ा उधर घूम घाम के आते हैं, देखते हैं आकाश क्या कर रहा है, बाबू क्या कर रही है मेरी, और दीदी क्या कर रही है। तो वो तो शूट चलता ही रहेगा, और अभी नीचे जाएंगे तो नीचे का भी सीन क्रिएट करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक बहुत मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, ये देखिए लंगूरी बंदर जिसे बोलते हैं, वो वाला बंदर बहुत डेंजर लग रहा है। तो यहाँ लंगूर बंदर बहुत देखने को मिलते हैं आपको। तो आकाश और भैया लोग वहाँ बैठे हुए हैं, देखिए धूप कितना अच्छा निकल के आ गया है यहाँ पे, पीछे भी धूप निकलने लगा है। और यहाँ पे लोग आते रहते, प्री वेडिंग का शूट चलता रहता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है। मतलब अभी तो हम मॉर्निंग में आए हुए हैं तो ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिल रहा है, अगर इवनिंग के टाइम में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा आपको। तो आकाश वहाँ बैठा है, बाबू भी वहाँ बैठी है, चल के देख लेते हैं क्या है। तो फिर यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, इधर आकाश बैठा है, इधर बाबू बैठी हुई है। बाबू एक बार फिर से हाय कर दो। हाय करो। हाय हाय ऊंची कर दो। तो सभी लोग बैठे हुए हैं, कुछ खाए कि नहीं। तो अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लेकिन अभी करेंगे थोड़ी देर में। तब तक थोड़ा सा काम मेरा है, मैं उसको निपटा लूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड करना है तो मेरे को टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग जितने भी होते हैं मेरे को सारा कुछ लिखना पड़ेगा अभी, तो उन सब चीज़ों को कंप्लीट करता हूँ मैं, क्योंकि फिर बाद में टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, उससे पहले मैं इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये कितना अच्छा लग रहा है, साइड लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी ब्रिज का। तो दोस्तों बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सीन कितना प्यारा है, देखिए ये ऐसा है कुछ ब्रिज, तो सीन काफ़ी प्यारा है। अब थोड़ा रील्स बना लेते हैं, लादे बना देता हूँ रील्स, और इधर भी देखिए कितना अच्छा सीन है। तो थोड़ा मोड़ा रील्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद और भी हम शूट करेंगे वीडियो को और आपको दिखाएंगे, और देखते वहाँ पे कुछ एडवेंचरस करने के लिए चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ मिलता है करने के लिए तो उसको भी करेंगे ज़रूर, एडवेंचरस करने का बहुत ज़्यादा मन है हमारा, पर देखते हैं अगर टाइम बचता है और एडवेंचरस हो जाता है तो कर ही लेंगे। और ये देखिए सीन कितना ख़तरनाक है। तो दोस्तों फाइनली हमारी मैगी आ गई है, आप देख सकते हैं ये मैगी, और इसको अब हम खाएंगे ठीक, क्योंकि पहाड़ों पे खाली मैगी मिलती है तो फिर मैगी खाएंगे ना। तो मैगी टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा बना है मैगी, पहाड़ों की मैगी। ऑसम, बहुत ही टेस्टी बना के दिया भैया ने, पहाड़ों की मैगी बहुत ही अच्छी बनती है यार। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट तो किए नहीं थे, लेकिन अब ब्रेकफास्ट आया है, ये देखिए भैया लोग गए थे लेके आए, तो अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ लेके आए इन लोगों ने।
क्या क्या लाए हो अपने हिसाब से? क्या हम लोग निकालेंगे तो बताओ। देखिए पहाड़ों पे क्या होता है ना कि बहुत प्रॉब्लम होता है इन सब चीज़ों का, तो फिर अभी गए थे कम से कम यहाँ से 25 किलोमीटर दूर गए थे, फिर वहाँ से लेकर के आए हैं। तो दोस्तों अब वीडियो शूट करने के लिए और आगे चल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्पॉट पे जा रहे हैं शूट करने के लिए। काफ़ी अच्छे अच्छे स्पॉट हैं यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए, तो वो सब भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे शूट हो सकता है प्री वेडिंग। यहाँ पे पूरा पत्थर ही पत्थर है, बहुत अच्छे सीन आते हैं इसमें, पूरा पत्थर वाला एरिया है, देख सकते हैं। और एडवेंचरस के लिए पूछा था तो अभी काफ़ी दूर है, तो अभी हुआ नहीं भैया, जैसे आते हैं फिर एडवेंचरस भी करते हैं थोड़ा मोड़ा कुछ। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है यहाँ पर, ये है अपना शिवपुरी वाला ब्रिज और सूट कुछ इसके ऊपर होना है, पत्थरों के ऊपर, तो पत्थर के ऊपर चलते देखते हैं। पत्थर के ऊपर क्या सीन आने वाला वो देखते हैं एक बार। अच्छा उसके ऊपर तो यहाँ पर भी कुछ चार्जेस मांग रहे हैं, देखते हैं उसके अलावा हर एक जगह पे चार्जेस लग रहे हैं यहाँ पे तो। हाँ कलर बॉम्ब भी देते हैं, कितना रहेगा कलर बॉम्ब उसमें? 500 तो कलर बॉम्ब कितना रहेगा उसमें? उसमें एक रहता है, तो 500 में कलर बॉम्ब एक रहता है, वो उसके पत्थर के ऊपर सूट करने का भैया बता रहे चार्जेस लगता है, तो फिर 500 बता रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं भैया लोग। और कुछ ऐसा देसी स्टाइल में बना रखा है इन लोगों ने। तो गाइस काफी मजा आ रहा है यहाँ पर, और खाली हम लाइटर दे रहा हूँ, लाइटर दे रहा हूँ, तो काफी मजा आ रहा है। और कुछ जो कलर वाले क्रैकर होते हैं उसके साथ वीडियो शूट होना है यहाँ पर, वो ड्रोन वहाँ पे रहा, भैया भाभी वो रहे, और ड्रोन को मैनेज यहाँ से किया जा रहा है। दो निकाल लिए, तो प्री वेडिंग आराम से नीचे मत गिर जाइएगा। देखिए बहुत खतरनाक सीन है वहाँ पे, अगर वहाँ से नीचे जाएंगे तो बिल्कुल नीचे नीचे से नीचे तो बहुत ही खतरनाक सीन है। ड्रोन हो रहा, बात करिए आपस में, आ जाओ सब इसके नीचे आ जाओ भाई, आ जाओ दीदी इधर। तो गाइस फिर से ड्रोन का सीन कंप्लीट हो गया है, और जो ड्रोन का सीन का आउटपुट निकलेगा वो मैं अपने ब्लॉग के अंदर दिखा दूंगा, और जो ये वीडियो है इसका ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अपने ब्लॉग पे भी मैं ब्लॉग वाले चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग जा करके वहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी अब चल रहा है फोटो शूट, फोटो सेशन चल रहा है, फोटो सेशन ऐसे करके, अरे ऐसे करके, थोड़ा मैं भी ऊपर चलता हूँ। तो फोटो सेशन यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हैं आप बैठ रहे हो मैम पीछे, और उसका क्या चार्ज पड़ता है? उसका पर बंदा 700 रुपये। आप थोड़ा मेरी तरफ आ जाओ, यह मस्त व्यवस्था यार, इस पर पूरा भीग जाता होगा इंसान। करोगे आप? हाँ हम लोग उधर जाएंगे, अभी चलना भी हमारे साथ करना, हम करेंगे, करो दो बता दो, करेंगे यार ब्लॉग शूट। हाँ तो बात तो वही है ना, हमें साथ में लोग के निकलना है ना,
दोस्तों एडवेंचरस करने का बहुत मन है लेकिन क्या ही बताएं, फैमिली के साथ आए तो जा नहीं पा रहे हैं, पर ट्राई करते हैं, अगर चांस मिलता है तो करेंगे और उसका भी ब्लॉग में कवर करते हैं। तो पीछे फोटोशूट का कार्यक्रम चल रहा है, मतलब कार्यक्रम बोले तो वही फोटोशूट फोटो सेशन चल रहा है। तो हाँ, तो पोस्ट कराते रहना, वो लाइट दिखा दे कोई। सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि बार बार रीटेक लेना पड़ रहा है, बट उस समय 7 डेज का टाइम आया था, किसको किया था वो सही आया था। तो देखिए कुछ सीन ऐसा क्रिएट हो रहा है, पहले एक दूसरे को देखना है, फिर हाथ देना, फिर टेस्ट करना है। 1 2 3 करिए। ये वाला सीन आपने देख लिया, मैं इसका ओरिजिनल सीन दिखाता हूँ आपको, जो इसका बन करके आया है वो सीन कैसा है। तो गाइज शूट कंटिन्यू चल ही रहा है हमारा प्री वेडिंग का, और अभी दिखा रहे हैं क्या सीन शूट हो रहा है। यहाँ पे कुछ पानी का सीन लेना था, पानी का सीन लिया जा रहा है। हाँ भैया भाभी का पानी का, हाँ पानी बिल्कुल ठंडा ठंडा सा होगा क्योंकि यहीं से निकलता है पानी, क्योंकि यहीं पास में ही है ऊपर। तो ये सीन आया था इनका, और भैया ने छाता ले रखा हुआ है क्योंकि इनको गर्मी बहुत लग रही है ना। तो फिर इसके बाद हॉर्स का शूट होना है, घोड़े का, घोड़े के ऊपर बैठ करके वहाँ उसका भी कुछ सीन है, तो उसको भी शूट कर लेंगे। और भी थोड़ा मोड़ा शूट बचा है, तो जितना जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा उतना जल्दी घर के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों काफ़ी थक चुके हैं प्री वेडिंग शूट करते करते, हालत बिल्कुल डाउन हो चुका है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है यहाँ पे। और अब कुछ सीन है हॉर्स के साथ, तो वो वहाँ पे घोड़ा मिलेगा, और देखते हैं क्या सीन है हॉर्स में, घोड़े का क्या सीन है इसमें। तो चलिए पास में चल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए घोड़े का सीन कुछ ये सब था जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला सूट होना था। थोड़ा एक पैर आगे बढ़ाइए, पहले एक पैर, एक लाइट, एक पीछे आगे। ये घोड़ा भैया का क्या नाम है घोड़े का? तारा सिंह नाम रखा है भैया ने घोड़े का। तो तारा सिंह क्यों बन गई? तो वो है इंसान हुई। नहीं कहां से आप? आगरा से लाए थे? मैं भी बहुत सुन। आगरा से ये भैया इस घोड़े को आगरा से लेके आए थे स्पेशली प्री वेडिंग शूट के लिए लेके आए हुए हैं। और इसका चार्ज मैं बता दूं 500 रुपीज़ चार्ज है अगर आप यहाँ पे आते हैं। आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। तारा सिंह दोनों में नाम हो जाए। अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आप 500 रुपीज़ का इसको हायर कर सकते हैं, भैया का फेस पहचान लो, यहीं पे घूमते फिरते कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे आपको, है ना। तो फाइनली हम लोगों ने अपना प्री वेडिंग शूट को कंप्लीट कर लिया आपने शिवपुरी में। जैसा कि आपको मालूम था अपने ब्लॉग में मैं दिखा ही रहा था कि अपना ऋषिकेश के और उसके ऊपर गए थे हम लोग शिवपुरी, वहां पे अपना शूट कंप्लीट कर लिए हैं।